दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टील को नया करने का रामबाण तरीका। चाहे आपने गलती से हार्पिक भी यूज कर लिया है ना, आप फिर से उसको नया कर सकते हैं। हार्पिक के असर को खत्म कर देंगे। सालों पुराने स्टील की सिंक हो चाहे स्टील की कोई भी चीज हो, आप उसको बिल्कुल तुरंत नया कर सकते हैं। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा आपको स्टील की सिंक को चमकाने का रामबाण तरीका। दोस्तों गलती से अगर आपने हार्पिक भी यूज कर लिया है ना, काला कर लिया, उसके कालेपन को भी आप खत्म कर सकते हैं। खास करके जो हमारी माता बहनें होती है ना, जो किचन में काम करती हैं, गलती से चमकाने के चक्कर में हार्पिक यूज कर लेती हैं और परमानेंट स्टील को काला कर लेती हैं। स्टील की सिंक हो, स्टील की चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप उसको बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। खारे पानी के निशान है, चाहे स्टील पर जंग चढ़ गया है, ठीक है, स्टील की बाल्टी है, स्टील का कोई टैप है वाश बेसन में लगा हुआ, बाथरूम में या किचन में लगी हुई जाली होती है स्टील की, चाहे कोई भी ए टू जेड सिस्टम है स्टील का, आप उसको बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे आज ही नया लगवाया हो। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ये इतना गंदा नहीं है, केवल वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, केवल इस पे देखिए इस तरीके के निशान बन जाते हैं पानी के, खारे पानी के निशान, तो इसको छुटाएंगे हम। चाहे जंग चढ़ जाता है कभी कभी किसी भी स्टील पर, तो उसको भी छुटा सकते हैं, हार्पिक के असर को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है। सुरेंद्र किचन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी ऐसी किचन टिप्स मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ढक्कन मैंने ये केमिकल लिया है, और ये दोस्तों केमिकल नहीं, खाने वाली चीज़ है, आपको वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों ये एक फूड है जो कि वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तीन चीज़ें मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम इसी को इसके ऊपर डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमको डाल देना है इसको। यहाँ पे देखिए यह है पीताम्बरी पाउडर, एक चम्मच में इसको डाल देता हूँ। इसको डाल दिया मैंने यहाँ पे। दोस्तों चाहे तो शैम्पू ले सकते हैं, चाहे कोई भी डिटॉल लिक्विड ले सकते हैं, या फिर बर्तन साफ करने वाला भी लिक्विड आता है वो भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ ले लें, थोड़ा सा डाल दें, लगभग आधा चम्मच के लगभग। केवल इससे हमें झाग बनाना है। देखिए मैंने एक टुकड़ा लिया है, फोम का टुकड़ा है, इसका जो टोंटी है ना दोस्तों थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको सही करवाएंगे, इसके ऊपर कमेंट ना करें। देखिए इससे हम थोड़ा सा इसको फैला देंगे स्टील के ऊपर इस तरह से, दो चार मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये रामबाण तरीका है स्टील को चमकाने का। देखिए इस तरीका से इसको फैला देंगे इसके ऊपर और दो चार मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको, ताकि अच्छे से गंदगी को ये काट सके। इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है, और दो तीन मिनट बाद में इसको हम रगड़ेंगे फिर स्क्रब से। कोई भी जूना ले लें, स्टील का जूना छोड़ करके, स्टील का जूना नहीं लेना है कभी भी स्टील को साफ करने के लिए, वरना स्क्रैच आ जाएंगे परमानेंट। इस तरीके से रगड़ना है। देखिए मेरे पास में ये वाला भी स्क्रब है, ये वाला भी ले सकते हैं, 10 रुपये का आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगा, ये सबसे बेस्ट होता है वैसे। इस तरह से रगड़ना है। स्टील बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे बिल्कुल आज ही नहीं लगवाई हो। स्टील के सिस्टम को चमकाने का ये रामबाण तरीका है। चलिए इसको धोते हैं और देखिए बिल्कुल ऐसे हो जाएगी बिल्कुल नई की तरह एकदम। देखिए देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नई लगवाई हो। देख सकते हैं इसका कंडीशन, इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए इस पर पानी के निशान थे सफ़ेद सफ़ेद,
चिपचिपे से बिल्कुल रिमूव हो गया आसानी से। कितनी भी खतरनाक कितनी भी गंदी स्टील को इस तरीके से नया कर सकते हैं, ये रामबाण तरीका है। और भी अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ऐसी यूजफुल टिप्स आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।